शिक्षा सबसे ताकतवर साधन है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ अखिल भारत वर्षीय यादव युवा महासभा उज्जैन द्वारा समाज के युवाओं और बच्चों हेतु निशुल्क शिक्षण केंद्र एवं पुस्तकालय की स्थापना की गई, जहां पर वे अपनी शिक्षण रोजगार स्वरोजगार संबंधी जिज्ञासा का समाधान प्राप्त कर सकेंगे। पुण्य सलिला माँ क्षिप्रा के किनारे पुण्य अवंतिका नगरी में विष्णु अवतार भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली है, जहाँ पर यदुकुल के राजा भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा सुदामा एवं भ्राता श्री बलराम के साथ महर्षि सांदीपनि से अपनी शिक्षा पूर्ण की। ऐसी पावन पुण्य नगरी में अखिल भारत वर्षीय यादव युवा महासभा उज्जैन के तत्वावधान में समाज के युवाओं हेतु निःशुल्क शिक्षण केंद्र की स्थापना की गई, जहां पर वे अपनी शिक्षण रोजगार स्वरोजगार संबंधित जिज्ञासा का समाधान प्राप्त कर सकेंगे और अपना भविष्य बना सकेंगे। इस केंद्र का नाम श्री कृष्ण शिक्षण संस्थान रखा गया, जहां समाज के बच्चों को निःशुल्क कंप्यूटर साक्षरता, करियर गाइडेंस, शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में करियर सलाह, शिक्षा के क्षेत्र में करियर परामर्श, प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी, निःशुल्क पुस्तकालय, समय पर शिक्षा, जगत के शिक्षाविदों के द्वारा मार्गदर्शन, विषय विशेषज्ञों के द्वारा मार्गदर्शन, आगामी योजनाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कक्षाओं का संचालन सुविधा प्रदान की जाएगी। समाज के युवाओं का उद्देश्य यही है कि समाज के निर्धन और गरीब परिवार के बच्चों सहित हर बच्चा पढ़े और समाज का गौरव बनकर नाम रोशन करे। इसी उद्देश्य के साथ यहाँ शिक्षण संस्थान की शुरुआत की गई है। यहाँ संस्थान LP भार्गव नगर में शुरू हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ जन, महिला विंग सदस्य सहित बड़ी संख्या में युवा उपस्थित थे। इस दौरान बच्चों को पुस्तकें भी वितरित की गयी। आज अखिल भारतवर्षीय यादव युवा महासभा के नेतृत्व में श्री कृष्ण शिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया गया है, जिसमें वरिष्ठों के मार्गदर्शन से श्री नारायण जी यादव, पिलाड़ा जी यादव, हमारे युवा साथी भाई निश्चल जी यादव, नगर अध्यक्ष शैलेन जी यादव और पूरी युवा टीम, हम सब ने समाज में जो शिक्षित बच्चे हैं, जो चाहे नर्सरी से लेके कॉलेज से, जो जिसको जिस भी प्रकार की निःशुल्क जानकारी चाहिए, निःशुल्क किताबें वितरण वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर माध्यम से हम एक लाइब्रेरी की ओपनिंग की है। उस लाइब्रेरी के माध्यम से समाज के जो भी बच्चे हैं वो यहाँ पर किताबें निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, और हमारा उद्देश्य ये है कि समाज के सभी बच्चे आके यहाँ पर लाइब्रेरी का लाभ उठाएँ। एक बहुत ही अद्भुत कार्य युवाओं ने करा है। इसमें जितने गरीब परिवार हैं, बिखरे हुए परिवार हैं, जो सक्षम नहीं होते हैं, बड़ी गरीबी के दौर में चलते हैं, उनके बच्चों के मन में रहता है कि मैं पढ़ूं, पर परिस्थिति उसको वहाँ तक बढ़ने नहीं देती है। उसी में हमारे युवा में जितने भी अपने जिला अध्यक्ष भाई पवन जी और साथ ही नगर अध्यक्ष शैलेन्द्र कालू भाई और निश्चल जी के मार्गदर्शन में जो पूरी टीम, टिंकू भाई हैं, पूरे मेरे जितने भी हैं, जिन्होंने ये कार्य एक ऐसा अद्भुत कार्य किया है जिसके लिए जितनी भी प्रशंसा किए करूँ, पर इसमें पूरे यहाँ के नगर का ही नहीं, पूरे यादव समाज का नाम को ऊंचा करते हैं। और ये शिक्षा जिस प्रकार की, जैसे कंप्यूटर की सीखना है, किताबों की कमी है, उसके प्रकार लाइब्रेरी वगैरह सभी है, और इसको दूर तक पहुँचाने में, एक एक घर तक जिस प्रकार की जो कोई क्षमता जिनको कमी है उन तक पहुँचाने में पूरा यादव समाज सक्रियता से उनको लगा रहेगा, और निश्चित है कि इसको और ऊँचे तक पहुँचा करके गरीबों को एक शिक्षा के स्थल में सफल प्रोग्राम होगा इसके लिए।